मुबीन हाशमी भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कब लोग होते हैं एरिया के, दो लोग होते हैं कि जिनकी ज़रूरत, जिनकी जिनकी ये जिम्मेदारी होती है, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अपने लोगों को वो तमाम बुनियादी सहूलतें जो है ना प्रोवाइड करें कि जिसके वो हकदार हैं, जिसमें एक होता है एमपीए, एक होता है एमएनए। ठीक है, मौजूदा एमएनए गुलाम जिलानी भाई की आपने बात सुनी। अब जिन साहब का यहाँ पर किरदार अदा है, ये किया जा रहा है कि जो कि ना शायद यहाँ के बताया गया कि गैर मकामी लोग हैं, वो गैर मकामी हैं जो यहाँ के एमएनए हैं फहीम खान साहब। अब सर उन्हें यहाँ के मसले मसाइल और यहाँ के लोगों की परेशानियों का और अताब का क्या पता कि यहाँ के लोग किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं? ठीक है ना, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? आप असेंबलियों में बैठ के कश्मीर आजाद कराने की बात करते हैं, यहाँ लोगों के दरवाजों पे, लोगों के घरों में, लोगों के मटकों में पानी तो आप प्रोवाइड जो नहीं कर पा रहे हैं। आपने, मैं समझता हूँ कि यजीदियत के उस दौर को जिंदा किया है कि जो अब से जो ना 1400-1450 साल पहले जो ना किया गया, तो भाई मैं समझता हूँ कि ये जो पोलिटिकल जो कम्पिटिशन है, पोलिटिकल जो नफरतें हैं, जो ये तमाम इन तमाम चीज़ों को छोड़ के इन तमाम लोगों को वो मुस्बत और पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए कि जिसकी जिसके लिए उन्होंने कौमी असम्बलियों में हलफ उठाया है। आज सन यूँ समझ लें कि 72-73 साल के बाद पाकिस्तान बने हुए 72-73 साल होगा, 73 साल के बाद भी अगर कोई ये क्राउड देखेगा, ये मजमा देखेगा, उसे लगेगा नहीं कि हम 73 साल सफ़र करके हमने पाकिस्तान बनाया, ऐसा लगता है कि हम कल माइग्रेट करके, कल हिजरत करके यहाँ पर आए। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ग्रुपों में बांट रहे हो, देखें ना आप 10 ग्रुपों में बांट रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 73 साल से ये आबाद मुल्क जिसे हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया, आज अगर उनकी पुरखे, उनकी औलादें पीने की 2 बूंद पानी के लिए तरसें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी तो खैर क्या, ये उन मेंबरान असम्बलियों की जो ना नाहिली है, कोताही है कि जो ना, मगर अगर आज वो ये समझ रहे हैं कि आज अहले इलाका हमसे नहीं पूछेगा, लोग नहीं पूछेंगे, तो देखें एक वक्त आता है कि इंसान पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बैक टू द पवेलियन, इंसान को लौट के अपने खुदा की तरफ जाना होता है। तो यहाँ के वो लोग आलम बरज़ख़ पे, आलम अरवा पे उनसे पूछेंगे कि हमने आपको वोट दिया, हमने आपको ज़िम्मेदार बनाया, हमने आपको अपना रखवाला बनके, अपने हुकूक़ का रखवाला बनकर असम्बलियों में पहुंचाया, आपने उसके साथ किया क्या? तो मतलब जो लोग, जिन लोगों ने उन्हें जिन अमानतों से नवाजा, आप उस अमानत में नहायती ख़यानत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को अपना किबला दुरुस्त करके वो काम करना चाहिए कि जिसके लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया है। अगर आज भी लोग पानी पीने के पानी के लिए अगर इस तरह से लोगों पे घूम रहे हैं, तो हम तो वो कूफे के दौर में चले जाते हैं। बेशक बेशक कि ये वो दौर है कि आज हमारे घर के बच्चे, आज हमारे घर के बूढ़े, आज आप इनकी उम्र देखें, इनके बाल देखें, कि ये आज इस चीज़ के लिए परेशान है पाकिस्तान बनाने के बाद कि इनके घर में पीने का पानी नहीं है, पानी नहीं है। शेम 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 ऐसे नुमाइंदों पर, ऐसे MPs पे और ऐसे MNS पे। बहुत शुक्रिया मुबीन हाशमी भाई, आप कुछ और राय देना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए क्या कि अफहाम तफीम के साथ इस मामले को हल किया जाए? जैसे कि जिलानी भाई ने बताया कि जी हमने 3 इंच की कतर लाइन देने का प्रोग्राम किया था, तो इन लोगों के लिए क्या राय आपकी, क्या क्या? देखिए मैं ये समझता हूँ सर, MPA जिलानी भाई ने बड़ी जामा और बड़ी मुस्तनद बात की है, हल्का उनका है, लोग उनके हैं, तो वो अपने लोगों को ड्रॉप तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो एक फिजिबिलिटी बनाई है कि भाई एक लाइन, एक दिन लाइन स्ट्रेट चलेगी और एक दिन क्रॉस चलेगी, जिगजैग चलेगी, उस पर ये होगा कि कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एक दिन पानी आप ले लें तो एक दिन पानी आप ले लें, तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? जिलानी भाई, MPA जिलानी भाई ने जो बात की वो तमाम तासुब और नफरतों से बालातर हो के और सच्ची बात की। मैं समझता हूँ कि अगर हम जिन लोगों को जिस मनसब पर बिठाया गया है वो इस तरह की सोच रखें, इस तरह की बात रखें, वो फर्द वाहिद नूर नज़र लोगों की तरफ ना देखें भाई। ये पानी बुनियादी ज़रूरत है, पानी बुनियादी ज़रूरत है, अगर वो अपने अपने लोगों को देंगे तो दूसरे क्या करेंगे? उस तरीके से हल किया जाए तो ये गलत है, ये गलत है। चोरी ऊपर से सीना जोरी और पानी बंद करना, पानी काटना, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी, आपसे भी कमेंट्स लेते हैं, आप क्या कह रहे हैं? सबका मसला है, हम चाहते हैं सबको पानी मिले, लेकिन पानी का तरीके कार्य ये नहीं है कि एक के घर में पानी नहीं आ रहा तो वो दूसरे का चुरा के पी ले। हमने इस लाइन को बिछाने के लिए अपनी मेहनत की, कोरोना में लोग घरों में बैठे हुए थे और हम जो है इसके लिए मेहनत कर रहे थे, अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड्डे खोद रहे थे, बेलचे चला रहे थे, नालों में उतरे हुए, हमने इसके अंदर 9 से 10 लाख रुपया लगा दिया, जिसमें से जो अच्छे जो थे ऐसे साहिब हैसियत, तो उन्होंने जितना हो सकता था अपने से लगा दिया, वरना फी घर 2000 रुपये से ही हमारा अमाउंट बनता ही नहीं है। सही, जितना हमने खर्चा कर दिया, लेकिन आवाम पे ज़्यादा बोझ नहीं डाला। जो थे ऐसे हजरात जिनके पास अल्लाह ने उनको इतना दिया हुआ था, उन्होंने बोला चलो हम अल्लाह की राह में लगा देते, लोगों को फैस पहुँचेगा। अब उसके बाद यहाँ से पानी कट जाएगा, जिन्होंने इतना खर्चा किया, मेहनत करी, सब कुछ करी, आगे वाले तो रुल जाएंगे।
और इस यहाँ से एक कनेक्शन से मुश्किल से 17-18 घरों को पानी मिलेगा, पूरा महल्ला पानी फिर भी नहीं ले सकेगा। एक मसले का हल होना चाहिए, प्रॉपर हल होना चाहिए, जो लीगल तरीका है जहाँ से आता था वहीं से इनको पानी, इनकी लाइन क्लियर की जाए, इनको करा जाए। ये बार बार आए दिन का हमें भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से आपस में ना इत्तेफाकी हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये चीज़ें गलत हैं। ये नाजायज़ करेंगे, कोई भी अपने घर में किसी को घुसने नहीं देगा जिसके लिए उसने अपना खून भी बहाया हो, पसीना भी और पैसा भी लगाया हो। हमने इसके लिए रात दिन एक कर दिए थे, हमारे अपने माँ बाप हमसे नाराज़ हो गए थे कि ऐसा भी क्या कि तुम किस कामों में लगे हो। 3 से 4 महीने का प्रोसेस हमारा ये रहा। शुक्रिया आपका।